इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो उससे पहले मैं आपको समरी बता रहा हूँ, जितने भी फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। तो लेगेसी समरी ऑफ म्यूचुअल फंड, तो सबसे पहले आप देखिए बैलेंस शीट का क्या परफॉर्म है ऑफ म्यूचुअल फंड। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, मेन एसेट्स हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट जिसको हम मार्केट वैल्यू पर शो करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जैसे इशू ऑफ एक्सपेंसेज, फिर यूनिक कैपिटल है, रिजर्विंग सर्कल एंड लाइबिलिटीज। उसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले NAV ऑफ म्यूचुअल फंड, नेट एसेट वैल्यू, और यही इसकी मार्केट वैल्यू होती है जिसे जो आल्सो कॉल्ड मार्केट वैल्यू। उसका फार्मूला है नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिक्स। नेट एसेट्स आप एसेट साइज से भी ले सकते हैं, यानी कि इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस लाइबिलिटीज, और आप लाइबिलिटी साइज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिक कैपिटल प्लस रिजर्विंग सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। सो वन टू के कहने भी फिर हम उसकी रिकरन कैलकुलेट करते हैं ऑन म्यूचुअल फंड, जैसे रेगुलर इनकम स्कीम जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं, तो आपका फार्मूला बन जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ डिविडेंड पर कैपिटल गेन प्लस NAV आफ्टर वन पीरियड माइनस NAV जीरो अपॉन NAV जीरो इनटू 100। ये परसेंटेज आ जाएगी आपकी जितनी आपको रिकरिंग मिल रही है। फिर हम उसकी एवरेज रिकरिंग कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने रिकरिंग कैलकुलेट की फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड उसका एवरेज कर दीजिए। सिंपल एवरेज होती है एवरेज रिकरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिकरिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकरेंस, जिसे 5 साल की रिकरिंग को 5 हो जाएगा। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिकरिंग जिसको कंपाउंडेड रिकरिंग कहते हैं, उसमें लेते हैं 1 प्लस एवरेज रिकरिंग मिसिंग है फॉर एन पीरियड, तो जो भी रिकरिंग है तो 1 प्लस रिकरिंग कर दो आप, ये वैल्यू रेशियो बन जाएगी डिफरेंट टाइम पीरियड्स के, उन सबको करके मल्टीप्लाई फिर हिट एंड क्राइसिस सोल्व कर देंगे। तो कैन वी हैव मनी वेटेड रेट ऑफ रिकरिंग जिसको IRR भी कहते हैं, उसका बेसिक फार्मूला वही है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एट R इज इक्वल टू NAV इन जीरो की रेट। ये हमारी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो जिस R के ऊपर इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी वो आपकी IRR आ जाएगी। फिर हमने डिस्कस किया था कुछ हमारे एक्सपेंसिव होते हैं म्यूचुअल फंड में, उनका क्या इफेक्ट होता है रिटर्न के ऊपर। दो तरह के एक्सपेंसिव हैं, परसेंटेज ऑफ इश्यू एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव होते हैं हमारे ओपनिंग NAV के ऊपर, ओन NAV इन जीरो पीरियड, जिसे जो बी होता है परसेंटेज ऑफ एनुअल एक्सपेंसिव जिसे आल्सो ऑन NAV इन जीरो पीरियड। फिर आपको फार्मूला बनाता है रिकरन आर, स्मॉल आर का रिकरन को इन्वेस्टर को NAV जीरो, उसमें से इशू एक्सपेंसिव माइनस कर दो, उसके ऊपर कंपनी को रिकरन मिलेगी, वो कैपिटल आर है हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी की रिकरन, उसमें से हमारे एनुअल एक्सपेंसिव लेस हो जाएंगे, ये आ जाएगी नेट रिकरन, उसकी परसेंटेज निकालेंगे NAV जीरो के ऊपर इन्वेस्टर के लिए। फिर हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी होती है म्यूचुअल फंड की, उसमें वही शार्प रेशो है, क्रेनर रेशो है, जेंसन अल्फा है, और एक मॉडर्न स्टार इंडेक्स ये नया था हमारा, इसमें हम करके एवरेज रिकरन माइनस एवरेज रिस्क ऑफ लॉस। रिस्क ऑफ लॉस होता है जब रिस्क फ्री रिकरन ज्यादा होती है रिकरन ऑन म्यूचुअल फंड से, वो RF में से रिकरन माइनस करके वो रिस्क ऑफ लॉस आ जाएगा, उसका करेंगे एवरेज, और ये MS इंडेक्स आ जाएगा। फिर हमने किए थे प्लान से डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस प्लान, ग्रोथ प्लान, उसमें रिटर्न निकालने के लिए अपने सिंपल एवरेज रिटर्न का फार्मूला है। जब आप यूनिट्स को सेल करोगे उस टाइम देखो कितने यूनिट्स हैं, N0 ओरिजिनल प्लस डेल्टा N2 एडिशनल, और उसकी NAV आफ्टर NPV माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से बन जाएगी एवरेज इनकम, उसकी परसेंटेज निकालो डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। और इसलिए आपको IRR निकालने या कंपाउंडिंग रिटर्न को इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो 1+R पर एन ईयर इक्वल टू कर दो क्लोजिंग NAV पे, देखो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है आपकी, तो जिस रेट पर ये इक्वल हो जाएंगे वो आपकी एवरेज रिटर्न आ जाएगी। तो स्टार्ट करके हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन, लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर वन। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2009 एंड सिमिलर क्वेश्चन इन CMA जून 2015। तो क्वेश्चन आप साइड बार में देख सकते हैं, इसमें जो को मेंशन किया है म्यूचुअल फंड मेक एन इशू ऑफ 10 लाख यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 1 जनवरी 2015, नो एंट्री लोग वाग चार्ज।
म्यूचुअल फंड कंपनी ने 1 जनवरी 2015 को यूनिट्स इशू किए हैं, इशूड तो 10 लाख यूनिट्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो इट मीन्स इसके बेस पर कंपनी को मिलेगा यूनिक कैपिटल। सो 10 × 10 रुपीज 15 लाख। इसको अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, देखो आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स हैं 50,000 इक्विटी शेयर हमने परचेज कर लिए, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 9% डिबेंचर एंड 10% डिबेंचर। तो जिस कैपिटल इज इन्वेस्टेड, तो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं देखो, जैसे जो इक्विटी शेयर्स हैं आपके 50,000 जो इक्विटी शेयर्स, तो रुपीज हम ले लेते हैं जैसे लैक्स में, कितनी मनी आपने इन्वेस्ट की है जैसे जो 80 लाख। फिर आपने 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, अमाउंट जो 8 लैक्स। देन 9% डिबेंचर्स में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया जिसे जो 5, ताकि 10% के डिबेंचर्स जिसमें नहीं हूँ 5। टोटल कैपिटल कितना है 100, इन्वेस्टमेंट देखो कितनी हो रही है आपकी 98 हो गई। इसका मतलब कुछ हमारे आ गए अब इसमें इशू एक्सपेंसिज, इशू एक्सपेंसिज को चलो मेंशन नहीं किया है, अब इसमें बाकी आपका कैश एंड बैंक आ जाएगा डेटली 2 लाख। टोटल आपके फंड्स हो गए 100 लाख इन्वेस्ट हो गए 0 पीरियड में, ये ओपनिंग पोजीशन बनी। अब आपको मेंशन किया है ड्यूरिंग द ईयर जैसे 2015 तो डिविडेंड आपको मिला 12 लाख का, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटी वेर से इंटरेस्ट भी सारा मिल गया आपको 7%, 9%, 10%। एंड एट द एंड ऑफ ईयर इक्विटी शेयर एंड 10% डिविडेंड, अब उनकी मार्केट वैल्यू भी है, तो आपको फाइंड आउट करना है NAV। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अब आप बैलेंस शीट बना लीजिए म्यूचुअल फंड के इस गेट को 31 दिसंबर 2015। तो नेक्स्ट बनाते हैं, अब आपकी ये बैलेंस शीट है आपकी एज एन 1 जनवरी, अब आपको देखा गया है ड्यूरिंग द ईयर 2015 देखो कंपनी को डिविडेंड रिसीव हो रहा है एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑल टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटी 7, 9, 10%। एंड फिर आपको मार्केट वैल्यू भी है इक्विटी शेयर एंड 10% डिबेंचर्स, आपको NAV फाइंड आउट करनी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज ड्यूरिंग द ईयर आर 5 लाख, फाइंड आउट NAV। तो उसके लिए आपको ना बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एज ऑन 31 दिसंबर, तो लेके से क्या क्या चेंजी जाएंगी आपकी बैलेंस शीट में। तो ये देखते हैं सबसे पहले क्या, इक्विटी को हम लेंगे मार्केट वैल्यू जो ये आपके 50,000 शेयर हैं, इक्विटी की वैल्यू कह रहे हैं अब वो हो गया 175% ऑफ 100 रुपीज 175, तो किसी जो 87.5 रुपीज आपके कह रहे हैं लैक्स में। 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू सेम है आपकी, कोई चेंज नहीं है। 9% के बैंकर में भी कोई चेंज नहीं है, जिस वैल्यू ये 8 जिसे जो 5, जो 10% के बैंकर है इसकी वैल्यू कह रहे हैं वो हो गई 95 90%, इट मीन्स 4.5 ईयर। अब बैंक का बैलेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बैंक में देखो गोखा कैश है, तो इस साल आपको पहले मिला डिविडेंड रिसीव हुआ शेयर ऊपर 12 लाख का, फिर आपको इंटरेस्ट मिलेंगे सारे 0.56, ये लैक्स में चल रहे हैं 9%, 0.45, 10%, 0.50। फिर आपके कुछ एक्सपेंसिज हो गए ऑपरेशनल 5 लाख के, वो माइनस चल हुआ जिस विल दे कैश है को बैंक, तो जैसे जो 14.56 प्लस 0.45 सो प्लस 0.5 माइनस 5, सो कैश इज कमिंग 10.51। तो इधर देखते हैं यूनिक कैपिटल में आपका सेम रहेगा 100 लाख। अब देखो रिटायरमेंट सरप्लस में जो जो इनकम्स आपको मिल रही हैं, 12 का डिविडेंड मिला आपको, फिर इंटरेस्ट मिल रहा है 0.56, 0.45, 0.5 माइनस एक्सपेंसिज, ये आपकी इनकम आ जाएगी, तो किसी 8.51। और कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी, तो लेगेसी बाकी टोटल बैलेंस शीट।
जिसमें देखिए 87.5 और प्लस रिटायरमेंट सरप्लस में ये भी ऐड करो, देखो इक्विटी की वैल्यू इंक्रीज होगी 87-80 को इसमें प्लस कर रखे हैं अभी, इसको नाम दे देखे हैं हम इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट, ये को बन गया आपका PNL रिटायरमेंट सरप्लस में। इन्वेस्टमेंट में रिजर्व है आपका 87-87.5 का हमें गेन हो रहा है, डिबेंचर में लॉस हो गया 5-4.5 0.5 जिसे के 7 तो टोटल ये 115.51। सो 87.5 प्लस 13 प्लस 4.5 प्लस 10.51 जिसे आल्सो 115.51। अब आप इसकी एन ए वी कैलकुलेट कर सकते हैं एज ऑन दिस डेट, सो बटीरियल अवर एन ए वी आफ्टर 1 ईयर नेट एसेट्स हैं आपकी 115.51 माइनस कोई लाइब्रेरी नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 10 क्योंकि 11.55। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक पॉइंट और पूछे हैं, सो आल्सो फाइंड एन ए वी इफ म्यूचुअल फंड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड या डिविडेंड ऑफ फाइंड एक ही पर यूनिट, देखिए कंपनी डिविडेंड पे कर रखी है तो मीन्स उसको कहते हैं एन ए वी आ जाएगी आपकी आफ्टर डिविडेंड, तो डिविडेंड की वैल्यू आप लेस कर लीजिए 11.51 माइनस 0.80 यानी इट विल बी 10.71, ये आपकी एन ए वी रहेगी आफ्टर डिविडेंड, क्योंकि कैश कम हो जाएगा नेट एसेट्स कम हो जाएंगे और पर यूनिट इतना डिविडेंड आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सेकेंड, सो दिस प्रॉब्लम केम इन CA May 2010 एंड सिमिलर क्वेश्चन केम इन May 2016। उसमें भी आपको ये मेंशन किया है बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमिन नेट एसेट वैल्यू ऑफ रेगुलर इनकम सिक्योरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट दे रखी है SSDA म्यूचुअल फंड की रुपीज इन करोड़ में या उसको लैक्स में लिख सकते हैं आप। चलो मैं क्वेश्चन भी मेंशन कर रहा हूँ और हम आंसर भी मेंशन कर देंगे, तो देखो आपको दिए हैं इन्वेस्टमेंट्स आपकी कौन कौन सी हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स आपको दिए हैं एट कॉस्ट, ये हैं आपके रुपीज इन करोड़। सबसे पहले आपको दिए हैं इन्वेस्टमेंट्स इन लिस्टेड शेयर्स, आपके पास शेयर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के ऑफ 30 करोड़, फिर आपके पास कुछ कैश इन हैंड है 0.75, फिर बॉन्ड्स हैं डिबेंचर्स हैं एंड आउट ऑफ दिस बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड तो उसको अलग कर रखे हैं अनलिस्टेड बॉन्ड्स जिसी ऑफ 1 करोड़, बाकी बचे आपके लिस्टेड बॉन्ड्स टोटल दिए हैं देखो आपको 2.3 माइनस कर लीजिए 1.3 ये करोड़ में चल रही है। अगर फिक्स इंटरेस्ट की सिक्योरिटीज हैं आपके पास, अगर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज जिसी आल्सो एक कोस्ट 2.50, फिर आपका डिविडेंड अप्रूव हो गया, डिविडेंड ये भी आपकी एसेट बन जाएगी, तो जिसमें नहीं जबर 0.80। फिर आपको कुछ दिए हैं अब लाइबिलिटी दिए हैं आपको अमाउंट पेबल ऑन शेयर लाइबिलिटीज, सो अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स क्योंकि शेयर परचेज किए हैं उसकी कुछ लाइबिलिटी है आपकी 1.32 एंड एक्सपेंसिज अक्रूड कुछ हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज हैं बिकी ऑप्शन 1.0। फिर आपको दिया है देखो वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स हैं डिबेंचर मार्केट वैल्यू दी है आपको डिबेंचर की लिस्टेड की, फिर आपको दिया नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स सो जिसे जो गिवन को भी 30 लाख ये लाख्स में है आपके करोड़ में बना सकते हैं 0.3 करोड़ बन जाएंगे। करंट रिलाइजेबल वैल्यू ऑल लिस्टेड शेयर्स आप पढ़ के एट ए टाइम एन इंडेक्स वॉज 7100 एंड प्रेजेंट इंडेक्स इज 9000 देयर इज डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर ऑन एन ए वी रेट,
अगर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी आ रहा है कॉस्ट, आपको एनएवी कैलकुलेट करनी है, एनएवी के लिए लिखे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। देखो तो सबसे पहले शेयर्स हैं, ये आपने खरीदे थे जब इंडेक्स था 71, आज वैल्यू होगी इसकी 9,071 है। ओके, इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 38.02 एटी को। कैश की वैल्यू देखो सेम रहेगी 0.75। अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं, इसकी वैल्यू वो कह रहे हैं आपकी रह गई है अब 20%, इसमें रिडक्शन हो गई है अनलिस्टेड बॉन्ड में, इतनी ये रह गई है 80%, 0.82। और जो लिस्टेड बॉन्ड्स हैं इसकी मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है, तो किसी गिवन को भी 10, किसी की गिवन जिसे 10। अगर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी इसकी भी मार्केट वैल्यू दी है 106.5 है, इफ 100 की फेस वैल्यू तो बचली वैल्यू 2.5, तो 2.5 की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जिसे कमी 2.66 है, 2.65, यानी कि डिविडेंड अक्रूड आपका सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से आपकी टोटल एसेट्स आ जाएंगे, टोटल लाइबिलिटीज आपकी बन रही है 9.32। लेगेसी टोटल एसेट्स जो आपकी बन रही है अब जिसमें 38.082 प्लस 0.75 प्लस 0.8 प्लस 12.6625 प्लस 0.8 किसी कमिंग को भी 53.0407। तो बैलेंस आपके नेट एसेट्स आ जाएंगे, तो दी जा रही नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो माइनस 9.32, किसी 43.7207। अब आपकी एन ए वी आ जाएगी पर यूनिट, इसका फार्मूला है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3, जिसे कमिंग 145.74। ये हमने लिया है रुपीज करोड़ में चल रहे हैं आपके, आप इसको लैक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी इजी हो जाएगा स्लाइटली। नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर थर्ड, तो प्रॉब्लम नंबर थ्री वी आर गोइंग, इसमें जो को मेंशन किया है ये है सिमिलर टू प्रॉब्लम वन, स्लाइट डिफरेंस है, उसको आपको मेंशन किया है म्यूचुअल फंड मेक एन इशू ऑफ 1 लाख यूनिट्स ऑफ रुपए 10 ऑन 1 जनवरी, तो आपने यूनिट्स ये को इशू किए हैं ऑन जनवरी 1, 2015, तो यूनिट्स इशू कर 1 लाख। तो ऑफ रुपीज 10, तो इट मीन्स यहाँ से आपको मिलेगा यूनिट कैपिटल जैकि जो 80 लाख, यदि आप शो करते हैं रुपीज को लैक्स में, फिर इसको आपने इन्वेस्ट कर लिया है, आपके मेकिंग इशू एक्सपेंसिव, कुछ इशू एक्सपेंसिव भी हो रहे हैं आपके, तो अब आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर लिया है, यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट ले रखी है किसी और से, रुपीज हम शो कर रखे हैं लैक्स में, इक्विटी इक्विटी में आपने 40,000 शेयर्स परचेज किए हैं ऑफ 160, इतने 64 लाख। देन 1% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वैल्यू है जो 6.4, एंड 9% के बैंकर्स हैं आपके, वैल्यू है जो 4, 10% के बैंकर्स जिस आल्सो 4, तो ये टोटल जो को बन रहा है आपका 78.4। तो बैलेंस आपके आ जाएगा इशू एक्सपेंसिव जिसे जो 78.4, टोटल कैश मिला था आपको 80,
उन्होंने मेंशन किया है बिग इन्वेस्टमेंट्स आर मेड आफ्टर मेकिंग इशू एक्सपेंसिव, तो इसमें इशू एक्सपेंसिव है, कैश एक बैंक नहीं है, इशू एक्सपेंसिव हो गया आपके 1.6। अब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड आपको मिला है ऑन इक्विटी, इंटरेस्ट मिला है आपको, और इक्विटी की वैल्यू है 175%, डिबेंचर की है 90%। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट किया है। अब आपने इसकी एन ए बी कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज है आपके 4 लाख पर एनम। तो बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं हम म्यूचुअल फंड कंपनी की एज ऑन 31 दिसंबर। देखिए आप यूनिट कैपिटल एक सेम 80 लाख, तो इन्वेस्टमेंट में इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000 शेयर्स इनको 175। अब इसकी वैल्यू 175 हो गई है, तो हम लैक्स में शो कर रहे हैं फिगर इनको 175, दिस इज 70 लाख रुपीज आपके कर रहे हैं लैक्स में। तो 1% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसकी वैल्यू देखो सेम रहेगी। 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर की वैल्यू दी है अब आपको 10%, डिबेंचर की वैल्यू रही है 90%, इसमें इसकी सेम है आपकी 10% डिबेंचर 90% ऑफ दिस 3.60। इशू एक्सपेंसिज आपके सेम ही रहेंगे 1.6। अब आता है कैश एक बैंक, बैंक में देखो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं देखिए 9.6 लाख का, फिर बाकी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8%, 6.4 के ऊपर 6.4 × 8% 0.512, 9% × 4 0.36, 10% × 4 0.40, माइनस एक्सपेंसिव हो गया आपके 4 लाख के, जिसे जो कैश एक बैंक प्लस 9.6 प्लस 0.36 प्लस 0.4 माइनस 4 6.87। फिर आपका आपका पी एन एल में कितना बैलेंस, ये सारा प्रॉफिट आ रहा है आपको 6.872, यानी कि जो रिजर्व इक्विटी को आपने रिवैल्यू किया 70 - 64, 6 का ये रिजर्व है, डिबेंचर में लॉस हो गया आपको 0.4 का 0.4, इट मीन्स 5.6 रिजर्व आर गया नेट एसेट्स। ये आपकी क्लोजिंग बन गई है आपकी बैलेंस, तो लेके से टोटल ऑन बोथ साइड्स 6.872 प्लस 1.6 प्लस 3.6 प्लस 10.4 प्लस 70, तो दिस इज कमिंग टू बी 92.472। वो जिसमें 92.472। तो बच्ची जबर एन ए बी आफ्टर 1 ईयर नेट कैसेस है आपकी, देखो इशू एक्सपेंसिव हम कंफ्यूजर नहीं करेंगे, यूनिट कैपिटल प्लस पी एंगल रिजर्व माइनस इशू एक्सपेंसिव, तो 92.472 माइनस 1.6, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके 1 लाख माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 8, तो 11.359 और 3.6 भी आप कह सकते हैं। फिर आपको मेंशन किया है आल्सो फाइंड एन ए बी इफ म्यूचुअल फंड कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटेड गए डिविडेंड ऑफ 0.90 पर यूनिट, तो बाकी एन ए बी आफ्टर डिविडेंड को ये भी कहते हैं एक्स डिविडेंड, जब कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है तो वो सिंपल है 11.36 माइनस डिविडेंड है आपका 0.90 पर यूनिट, तो आपकी एन ए बी रह जाएगी अब 10.46 किसी ओवर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे एग्जाम प्रॉब्लम और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।